तो हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी। अक्सर दोस्त हम यही सोचते हैं कि हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। बहुत बार बहुत से लोग आपसे जिक्र जरूर करते होंगे, अरे यार तेरी तो हाइट ही नहीं बढ़ रही है। तो कुछ लोग कहते हैं यार तेरे पापा छोटे हैं, तेरी मम्मी नाटी हैं, तेरे मामा नाटे हैं। जनरेशन के हिसाब से लोग अक्सर आपसे यही डाउट्स करते हैं और आपको यही बताया भी जाता है और आप यही जानते भी हैं, क्योंकि हमें जब भी सिखाया जाता है दोस्त कि हाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां हर कोई लेके चलता रहता है। तो हाय दोस्त, मैं हूं दिनेश। आज मैं खासकर इसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्त कि हाइट क्यों नहीं बढ़ती है। सिर्फ हम यही सोचते हैं पापा मेरे छोटे हैं तो छोटा बेटा भी पैदा होगा, मम्मी मेरी नाटी है तो नाटी बेटी भी पैदा होगी। सारे लोग यही सोचते हैं, लेकिन ये नहीं कोई जानता है क्यों नहीं होता ये चीज़ें हाइट। कभी कभी तो आप ये भी देखते होंगे कि बाप इतना छोटा सा और बेटा तो इतना बड़ा सा, ऐसा कैसे हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं लगता है कि इनका लड़का नहीं है। बहुत बात सुनते होंगे गांव में, अक्सर लोग इसकी चर्चाएं करते हैं। ठीक है, जो कहते हैं मैं वही बात आप लोगों से बता रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी मानसिकता गलत है। हम बताएंगे आपको हाइट क्यों नहीं बढ़ती है। हकीकत में कोई नहीं बताता होगा हाइट दोस्त में दो कारण से नहीं बढ़ती है, दो वजह से। एक आयरन की कमी की वजह से और एक कैल्शियम की कमी जब शरीर में होती है तो नहीं बढ़ती है। अब आप लोग बोलोगे आयरन की कमी कैसे हो जाती है दोस्त। देखिए दोस्त, पहले के जो इंसान होते थे ना, पहले के, आज के 100 साल पहले के इंसान जो होते थे, उनके घर में पीतल के बर्तन, तांबे का बर्तन, मतलब ये सब चीज़ें होते, स्टील के बर्तन ज़्यादा उपयोग में नहीं होते थे। हर घर में लोहे के दो दो तीन तीन बर्तन यूज होते थे, और लोहे के बर्तन में खाना खाने से आयरन शरीर के अंदर जाएगा, जिससे कि आपको बराबर हमेशा नित दिन आयरन मिलती रहेगी। और आज के समय में आयरन का कैप्सूल चल गया है, आयरन की ये चीज़ें चल गई हैं, आयरन का सिरप चल गया, आयरन का टॉनिक चल गया है, लेकिन क्या हम नित दिन लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। कैल्शियम की कुछ ऐसी चीज़ें होती है, पहले के समय में जिसे लोग गन्ने के खेत में जाते थे, गन्ने के जूस को सेवन करते थे, मतलब बहुत सारी चीज़, लोग गुड़ खा करके पानी पीते थे। आज तो लोगों का शौक है कि 1200 रुपये किलो काजू की बर्फी खाएंगे तो ही पानी अच्छा लगेगा। लोग मार्केट में जाते हैं तो चाउमीन पिज्जा बर्गर खाते हैं, ये नहीं कोई सोचता है कोई अच्छी चीज़ें हम यार खा ले 20 रुपये में आधा किलो गुड़ ही घर पर लेके चले, उससे अच्छी अच्छी पानी पियेंगे। तो लोगों को बेइज्जती लगती है कि आधे किलो गुड़ लेके जाएंगे यार, लोग क्या सोचेंगे। ये कोई बेनिफिट्स नहीं जानता है कि गुड़ के कितने फायदे होते हैं। गुड़ में दोस्तों एक नंबर का आयरन का स्रोत होता है, मतलब सीधा मैं कह दूं इतना गजब आयरन का स्रोत होता है गुड़ में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। गुड़ में इतना गजब आयरन का स्रोत, यानी कि अगर आप गुड़ का सेवन कंटिन्यू सिर्फ 2-3-4 महीने कर लोगे दोस्त, आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपके ब्लड में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आपका ब्लड हमेशा साफ रहेगा और शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, खून की कमी भी शरीर में नहीं होगी। तो अब अगर आपको बात समझ में आ गई है कि हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्त। क्योंकि आपके मन में अगर ये फीलिंग्स चल रहे थे कि क्यों नहीं बढ़ती है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप किसी लड़के का बाप हैं या आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, तो आप मेरी इस बात को नोटिस करके रखिएगा और अपने लड़के के साथ जरूर कीजिएगा, जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में बच्चे को कैल्शियम और आयरन की अच्छा खासा स्रोत देना। जिस भी किसी चीज़ में अच्छी खासी आयरन की स्रोत हो, जिस भी किसी चीज़ में अच्छी खासी कैल्शियम की स्रोत हो, आप बच्चे को उस चीज़ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कराएं। लिख के देता हूँ दोस्त, अगर बच्चे की हाइट 6 फीट से ज़्यादा ना गई तो फिर उसी दिन बोल देना, चाहे भले ही आप लड़के के बाप हो, आपकी हाइट 5 फीट ही क्यों ना हो, लेकिन लड़के की हाइट 6 फीट तक जाएगी। लेकिन हमें नहीं पता होता है, हम तो जैसे छोटे रहते हैं बाप से तो यही बोलते हैं हमें चॉकलेट चाहिए, मैंगो वाला, फ्रूटी वाला, ये दे दो वो दे दो, हमें क्या पता घंटा, हमें कुछ नहीं पता होता, हमें तो जो खिलाया जाता है वही हम खाते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा गुड़ तो किस में होता है? अच्छा गुड़ गुड़ में ही होता है, जिसे लोग गाँव में अक्सर भेली के नाम से कहते हैं। मैं चार भाषा जानता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं कोई अमेरिका या लंदन या इंग्लैंड से आया हूँ। बहुत से लोगों की मेरी भाषाओं में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही मकसद होता है, मेरी वीडियो हर
लोग समझ सके। ऐसा नहीं कि यूट्यूब सिर्फ माइंडेड लोग ही चलाते हैं, यूट्यूब थोड़े गंवार लोग भी चलाते हैं। तो मैं गंवारों का भी साथी हूँ और पढ़े लिखों का भी साथी हूँ, ऐसा बात नहीं, दोनों लोग मेरी भाषाओं को समझे वही मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो दोस्त, गुड़, दूध, भेली, चना, मौसम्बी, मतलब बहुत सारी चीज़ होती हैं जो उसमें अच्छा खासा हर चीज़ पाया जाता है, हमें वही चीज़ सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर में अच्छी खासी एनर्जी होगी, अच्छी खासी बल होगी, ताकत होगी, हर चीज़, मतलब कि कुछ भी कमी नहीं होगी अगर हम हकीकत में सोच समझ के सारी चीज़ों को यूज करें तो। तो अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है, मैंने जिस टॉपिक पर बनाया था कि हाइट क्यों नहीं बढ़ती है, तो बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते कि आपको कुछ इसी तरीके से अच्छी अच्छी ज्ञान, अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी चीज़ें हर दिन मिलती रहे, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में लाइक घंटे की से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, मामा के लड़के, फूआ के लड़के, मामी की लड़की, हर किसी के साथ भी शेयर कर देना, ताकि हर किसी को ये जानकारी पहुँच सके। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक जय हिंद, गुड बाय, गुड लक, वंदे मातरम।